आपको आपके पास मोबाइल फोन तो है, वो चाहे उसमें 3G या 4G चलाओ और क्लास ले लो। हाँ हाँ मास्टर साहब, मेरे पास है 4G। यहाँ पे किसी के पास इंटरनेट है क्या? मालूम था। चुप। 3G 4G, हमने तो कभी 3G 4G नहीं सुना। बचपन में तो सिर्फ अम्मी जी अब्बू जी होते थे जो एक थप्पड़ सेट करते थे, सारा नेटवर्क बेहाल हो जाता था। तुम्हारे पास तो सिर्फ मास्टर साहब है, यानी कि मैं। अरे किन बातों में उलझा दिया है बे? चलो तुम शाबाश, सबक कलम की ताकत तो सुनाओ। उस्ताद जी, कलम बड़ा ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मैं बता ही नहीं सकता। मास्टर साहब मैं बताता है, मास्टर साहब वो इसलिए कि हमारा दादा ने हमको बताया था कि अगर कलम गुम जाए तो बाजार से नया आ सकता है, ऐसा ही है। और मगर अगर उसका ढक्कन गुम जाए तो बाजार से नया नहीं आ सकता, तो इसीलिए हमको टिचू वाला कलम लेना चाहिए। खाना खराब क्या बकरे, अहमक का एक सवाल कुछ पूछो जवाब कुछ देते। हट बे हट, या घर जाके सो मर। बेटा क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने सारी रात क्या किया जब को इतनी नींद आ रही है? सर जी ओ, हाथ किसको लगाते हैं? बस तमीज। सॉरी तू ऐसा कर, तू मुझे इस मुहावरे का जुमला तो जरा बना, मुंह में पानी भर आना। शाबाश जल्दी। अबे मेरे मुंह क्या देख रही हो, जुमला बनाओ, मुंह में पानी भर आना जल्दी। सर जी बता रही हूँ। हाँ? मुंह में पानी भर आना। ओ, मैंने टूटी को मुंह लगाया, मैंने टूटी को मुंह लगाया तो मेरे मुंह में पानी भर आया और मैंने सारा पी लिया। अब सर जी पानी जाया करना तो गंदी बात होती है ना। नलायक अहमक। शेरू तू मुझे बता, तालीम क्या है और तालीम क्यों जरूरी है, जल्दी। तालीम आता हूँ ना, यहाँ है। तालीम एक जेवर है भाइयों और बहनों, तालीम एक जेवर है, समझ आई? तालीम एक जेवर है और जेवर सर जी मर्द पे हराम है, इसलिए हम मर्द इसे हासिल नहीं कर सकते। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। तू मोना, तू मुझे समझदार बच्ची लगती है, तू मुझे मुहावरे का जुमला तो बता। दांत खट्टे करना, अबे मेरी शक्ल क्या देख रही है, जुमला बता, दांत खट्टे करना। इसी से ठीक ने मुझे चिली मिली लेकर दी जो मैंने खाई और एक मिनट, तुम बैठो, जरा देख तो बताती हूँ। मास्टर साहब हुकूमत ने एसओपीज मेंटेन करने को कहा था और इसी वजह से कंटीन हमारी बंद है। ये बताएं, चिली तो नहीं है। बात सही की है, गलत करती है तो बेटा बैठ जाओ।
टेंकू बाबा तुम्हें पता है क्या? जी सर। तू ना इस्लामियत के इम्तिहान में फेल हो गए, फेल। सर जी, हाँ? क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहो कहो। सर क्या आपको पता है पर्चे में पूरे सवाल किस पे थे? सूद पे। वो सूद जो मेरे मजहब के खिलाफ है, वो सूद जो हर पाकिस्तानी की नींद बर्बाद कर देता है, उसको मुश्किलात में डाल देता है, उसको कर्जों में डुबा देता है। जब मैंने उस सूद का सवाल पर्चे में देखा तो मेरा जमीर गवारा नहीं किया कि मैं उस सूद के सवाल का जवाब दूं। इसलिए मैं नहीं, सूद है, गलत है यार। की बात है, फटे है मुंह, तुम्हारी किस्मत नहीं फेल होना लिखा था। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वैसे भी मैं जब फेल ही होने, तू इतनी मेहनत का क्या फायदा, बंदा ऐसे ही फेल हो जाए। ओए मोना कोरोना, तुमने तो कल आना था, मड़ा तुम आज क्या कर रहे हो स्कूल में? क्या है, मेरा काम तालीमी इदारों को बंद करवाना है। दूसरे महकमे में मेरा क्या काम? मड़ा माशाल्लाह कितना अच्छा सोच है तुम्हारा। तुम अहमकों ने पढ़ना तो नहीं, तो जरा ये सवाल तो हल करो। लिखो, अगर अबे अगरबत्ती की औलाद, मुंह बंद कर, लिखो। अगर एक शादी हाल में 2000 लड़के हैं तो 3 शादी घरों में कितने लड़के होंगे? जल्दी बताओ। शाबाश। ओ सर ये छोड़, पहले बताएं कि रोटी शोटी में क्या था? अबे गलत, आप पहले ये बताएं लोगों ने मास्क पहने थे या नहीं? ओ तुम चुप करो। ओ सर जी, उससे हम ये है कि फंक्शन कौन सा था? एक मिनट, तुम बैठो। सर आप मुझे ये बताएं, हुकूमत ने तो बंद किए हुए सारे शादियों, तो 2000 का 20 बंदा लेके आना शादी में? सर असली में आपका सवाल गलत था। खामोश, सवाल गलत है। ओ, आज तो हाजिरी लगाना ही भूल गए, रजिस्टर कहाँ है? सर मैं लगाऊं तुमको? सर पहले क्या पूछ के लगा दे, अब भी लगा ही नहीं। जो बदतमीज, उस्ताद के आगे जबान चलाते, अब मैं तेरी जबान हलाल कर दूंगा। बदतमीज। बच्चों का सर बिल्कुल खाली, दिमाग लाने कोई चीज है नहीं। पाबंदियों से, कानून से, तालीम से, आजाद आजाद आजाद। सर जी हम देख रहे हैं। खास है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत।